नमस्कार दोस्तों, फाइनली बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया आप सबके लिए अवेलेबल हो गया है, पब्लिकली हो गया है। पहले बीटा वर्जन लिंक पे जाके डाउनलोड करना पड़ता था अर्ली एक्सेस में, अब ऐसा नहीं है, अब सभी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। जिनके पास अर्ली एक्सेस वाला वर्जन था उनको लगभग 150 MB का अपडेट आएगा, क्योंकि कुछ कुछ अपडेट हुआ है। दोस्तों यहाँ पे हम कुछ बातें करेंगे अपडेट्स के बारे में। तो पहली बात तो ये कि पुराना जो आपका अकाउंट था वो, तो उस डेटा ट्रांसफ़र आप 6 तारीख तक कर सकते हैं। 6 तारीख के बाद बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया अपने सर्वर्स को मेंटेनेंस पे डालेगा, तो कब तक वो वापस आएगा उसका अभी तक डेट रिलीज़ नहीं हुआ है। तो अभी भी आप लोग के पास टाइम है, पुराना अकाउंट का जो डेटा अगर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो 6 तारीख तक कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करते हैं प्री रजिस्ट्रेशन वाले रिवॉर्ड की। तो उसके लिए अभी भी आप लोग के पास समय है, आप 19 अगस्त तक उस रिवॉर्ड के लिए क्लेम कर सकते हैं। फिर दोस्तों बात करते हैं ऐप स्टोर की। तो अभी तक ऐप स्टोर में कब तक अवेलेबल होगा उसका तो अभी तक का कोई डेट नहीं है, हो सकता है जल्दी आ जाए। तो जिन लोग के पास अभी आईफोन है उन लोग के पास तो सिर्फ आईफोन ही है, बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया नहीं है, तो एंड्रॉयड वाले आईफोन वालों से तो आगे है ही। तो फाइनली दोस्तों मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ, जो अपने पुराने अकाउंट से डेटा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वो 6 जुलाई तक का ट्रांसफ़र कर सकते हैं, क्योंकि कुछ सर्वर पे अभी मेंटेनेंस का सीन होने वाला और वो कब तक रहेगा इसका कोई डेट फिक्स नहीं है। तो मैं आप लोग को ये बता देता हूँ, अगर कोई पुराना अकाउंट से अपना डेटा ट्रांसफ़र करना चाहता है तो 6 जुलाई तक के कर सकता है। तो दोस्तों अभी के वीडियो में बस इतना ही, जैसे ही कुछ और अपडेट निकल के आती है मैं आप लोग तक पहुंचा दूंगा। अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं इसी तरीके की टेक्नोलॉजी से जुड़ी वीडियो आप लोग के लिए लाता रहूँगा।